वैन देयर हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और जब उनके घर का निर्माण चल रहा था, देन सी स्टूड इन रेन एंड सन, वे बरसात में और सूर्य की धूप में वो खड़ी रहती थी। वैन देयर हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब घर का कार्य चल रहा था तो वह बरसात में और सूर्य की धूप में और निर्माण स्थल है वहाँ पर खड़ी रहती थी। सी हेल्प द मैंसन, मैंसन का मजदूर है कारीगरों की सहायता की, विद मोर्टर का मतलब है मसाला बनाने में, ब्रिक्स है और ईंटों को पहुँचाने में, मैनी टाइम्स अनेक बार, और काफ़ी समय उसने जो मसाला है वो बनाने में, ईंटों को पहुँचाने में सहायता की। सी स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर वॉल, जो प्लास्टर किया गया था दीवार पर, और पानी डालने में भी उसने वो सहायता की। सी डिड नॉट यूज ए सिंगल पीस ऑफ ओल्ड फर्नीचर इन ए न्यू हाउस, और श्रीमती मलिक का और मानना था, उसने ये सोचा था कि नए घर में और पुराने फर्नीचर का एक टुकड़ा भी ही और नहीं लगाएगी या यूज में नहीं लेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब घर का निर्माण कार्य चल रहा था तो श्रीमती मलिक ने कैसे सहायता की थी। When the construction got completed, जब मकान है बनकर तैयार हो गया था, और तभी अचानक ही क्या होता है, the government सरकार ने accusation का मतलब है अधिकार कर लिया, their house और उनके घर पर फॉर एमरजेंसी पर्पज, कि आपातकालीन उद्देश्य के लिए उनके घर को अधिग्रहण कर लिया। एक्यूक्यूएशंस का मतलब अधिग्रहण कर लिया था, अर्थात है अपने अंडर में ले लिया था, और बदले में जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, वो उनको क्या देती थी, रेंट दिया करती थी। देन एनोदर ट्रांसफर टुक दी, और एक बार ट्रांसफ़र और हो जाता है श्रीमान मलिक का, दी होल फैमिली अवे फ्रॉम दिल्ली, और पूरा ही परिवार है दिल्ली से और चला गया। मिस्ट्रेस मलिक कंसीडर, और श्रीमती मलिक है और मानती है, दी गवर्नमेंट एज ए बेटर टेनेंट देन दी प्राइवेट, कि निजी किराएदारों की अपेक्षा सरकार को एक अच्छा और किराएदार मानती है, क्योंकि निजी किराएदारों को रखने की अपेक्षा, और यदि आप है सरकार को अपना घर किराए पर दे देते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्राइवेट टेनेंट्स आर ए हैड ए चीज, कि जो निजी किराएदार होते हैं वास्तव में ही सिरदर्दी होते हैं, दे हैव कंप्लेंस एंड डिमांड ऑलवेज, क्योंकि निजी किराएदार हमेशा शिकायत करते हैं और हमेशा ही किसी न किसी चीज़ की मांग करते हैं। Not paying rent of the house on time, और समय पर है रेंट भी नहीं देते हैं। The other side, और दूसरी तरफ है, government was paying a good amount directly in the bank, और जो सरकार थी और सीधे ही उनके बैंक अकाउंट में एज रेंट और रेंट के रूप में पैसा है वो जमा करा दिया करती थी, और इसीलिए श्रीमती मलिक है वो सरकार को एक सर्वश्रेष्ठ किराएदार और मानती है।